सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, आप सभी के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं। 16 दिसंबर 2020 से आपका मॉड्यूल नंबर 13, मॉड्यूल नंबर 14 और मॉड्यूल नंबर 15 दीक्षा पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा और आपको इनका प्रशिक्षण 16 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 के मध्य करना है। साथियों, आज की वीडियो में हम मॉड्यूल नंबर 13 विद्यालय नेतृत्व संकल्पना और अनुप्रयोग की गतिविधि नंबर 5 करेंगे। गतिविधि नंबर 5 में प्रश्नोत्तरी दी हुई है, निष्क्रिय एवं सक्रिय अधिगम। आपको बताना है कि ये निष्क्रिय अधिगम है या सक्रिय अधिगम है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहे तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गतिविधि नंबर 5 निष्क्रिय व सक्रिय अधिगम में किस तरह की प्रश्नोत्तरी दी हुई है। नीचे लिखे कथन को निष्क्रिय और सक्रिय वाक्य में वर्गीकृत करना है। आपको एक कथन दिया हुआ है, आपको बताना है ये निष्क्रिय है या सक्रिय वाक्य है। तो पहला प्रश्न है हमारा, रट्टा प्रणाली को प्रोत्साहित करना निष्क्रिय अधिगम या सक्रिय अधिगम। तो जो रट्टा प्रणाली होती है ये हमारा निष्क्रिय अधिगम होता है। इस पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षार्थी दिए गए कार्यों, कक्षा में होने वाली परीक्षाओं, क्षेत्र कार्यों एवं शिक्षण अभ्यासों पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं, ये निष्क्रिय अधिगम है या सक्रिय अधिगम है। यानी शिक्षार्थी दिए गए कार्यों या कक्षा में होने वाली परीक्षाओं या क्षेत्र कार्यों, शिक्षण अभ्यासों पर व्यक्तिगत रूप से अपने आप शिक्षार्थी अगर कार्य करते हैं तो ये हमारा निष्क्रिय अधिगम में आएगा। तो इसको भी आप निष्क्रिय अधिगम कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ज्ञानात्मक अवधारणाओं को परखने, जानने एवं चुनौती देने हेतु पर्याप्त अवसर, सक्रिय अधिगम है या आपका निष्क्रिय अधिगम है। तो ये आपका सक्रिय अधिगम होगा, जब ज्ञानात्मक अवधारणाओं को परखने लगे, जानने और चुनौती देने हेतु पर्याप्त अवसर मिलने लगे, तो उसको सक्रिय अधिगम कहेंगे। नेक्स्ट है आपका, शिक्षार्थियों को समाज में अपनी स्थिति और अपनी मान्यताओं का पता लगाने में परखने के लिए कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में स्थान दिया जाता है, सक्रिय अधिगम है या हमारा ये निष्क्रिय अधिगम है। तो ये हमारा सक्रिय अधिगम होगा। नेक्स्ट है, मूल्य आधारित शिक्षा की ओर न ले जाना निष्क्रिय अधिगम या सक्रिय अधिगम। तो ये हमारा निष्क्रिय अधिगम होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शिक्षक विद्यार्थियों को गहन विचार विमर्श वे चिंतन संलग्न रखते हैं, विद्यार्थियों को स्वयं अध्ययन और समीक्षात्मक विचार कौशलों के विकास के लिए मुद्दों को समझने और पहचानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, शिक्षार्थी अपने द्वारा किए गए अवलोकन स्वयं चिंतन जिसमें विवादों का भी उल्लेख हो, इन सभी विषयों पर चिंतन मुक्त लेख लिखते हैं। तो आपको बताना है ये सक्रिय अधिगम है या निष्क्रिय अधिगम है। तो ये भी हमारा सक्रिय अधिगम के अंतर्गत आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, शिक्षार्थियों को दल में काम करने, एक दूसरे के साथ बातचीत करने और विभिन्न तरह के विषयों क्षेत्रों पर प्रोजेक्ट्स करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, सामूहिक प्रस्तुतियों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये आपको बताना है ये सक्रिय अधिगम है या निष्क्रिय अधिगम है। तो ये भी हमारा सक्रिय अधिगम के अंतर्गत आएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अध्यापक उन सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों को समझते हैं जिनमें शिक्षार्थी पलते और विकसित होते हैं, वे शिक्षार्थियों को सैद्धांतिक जानकारी के साथ साथ जीवन की वास्तविक स्थितियों से भी परिचित कराते हैं। तो ये आपको फिर बताना है ये आपका सक्रिय अधिगम है या निष्क्रिय अधिगम है। तो ये हमारा सक्रिय अधिगम के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चिंतन मनन व स्वयं अध्ययन के कम अवसर, ये निष्क्रिय अधिगम में आएगा या सक्रिय अधिगम में आएगा। तो इसे आप निष्क्रिय अधिगम में कर देंगे। उसके बाद शिक्षार्थी के लिए ज्ञान को बाहरी
एवं ऐसा माना जाता है जिसे प्राप्त किया जाना है। ये निष्क्रिय अधिगम है या सक्रिय अधिगम, तो ये हमारा निष्क्रिय अधिगम के अंतर्गत आएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यापक बच्चों एवं अधिगम से जुड़े सामान्य सिद्धांतों को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग में लाते हैं, तो ये हमें बताना है ये सक्रिय अधिगम है या हमारा निष्क्रिय अधिगम है, तो ये हमारा निष्क्रिय अधिगम के अंतर्गत आएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए जीवन के लोकतांत्रिक तरीकों समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता एवं उत्साह को बढ़ावा देना, ये हमारा सक्रिय निष्क्रिय अधिगम है या निष्क्रिय अधिगम है, तो ये हमारा सक्रिय अधिगम के अंतर्गत आएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, रट्टा प्रणाली को हतोत्साहित करना, सबसे पहला प्रश्न हमारा प्रोत्साहित करना था, ये हमारा हतोत्साहित करना है। शिक्षण अधिगम को एक आनंददायी व सहभागी गतिविधि बनाना, बाल केंद्रित क्रियाकलाप आधारित सहभागी अनुभव अधिगम अनुभव जैसे नाटक, प्रोजेक्ट, विचार विमर्श, संवाद, अवलोकन, तो ये बताना है आपको सक्रिय अधिगम के अंतर्गत आएगा या निष्क्रिय अधिगम के अंतर्गत आएगा, तो ये भी हमारा सक्रिय अधिगम के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें रट्टा प्रणाली को हतोत्साहित कर रहे हैं। शिक्षण अधिगम को एक आनंददायी और सहभागी गतिविधि बनाना, बाल केंद्रित क्रियाकलाप आधारित जैसे अनुभव जैसे नाटक, प्रोजेक्ट, विचार विमर्श, संवाद, अवलोकन, भ्रमण आदि को सुनियोजित करना और सृजनात्मक कार्यों के साथ शिक्षण अधिगम को एकीकृत करना आता है, तो ये हमारा सक्रिय अधिगम के अंतर्गत आएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, समीक्षात्मक विचार कौशलों के माध्यम से शिक्षण अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक अनुभवों के साझा संदर्भ में ज्ञान को अर्जित किया जाता है, तो ये हमें बताना है सक्रिय अधिगम है या हमारा निष्क्रिय अधिगम है, तो ये हमारा सक्रिय अधिगम के अंतर्गत आएगा। उसके बाद सामाजिक वास्तविकताओं, शिक्षार्थी और अधिगम प्रक्रिया के बारे में छात्रों की मान्यताओं का निराकरण करने के लिए कोई स्थान नहीं होता, तो ये हमारा सक्रिय अधिगम है या निष्क्रिय अधिगम है, इसमें हम देखते हैं तो ये हमारा निष्क्रिय अधिगम के अंतर्गत आएगा। इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आएगा, शिक्षार्थियों की विषय ज्ञान की अवधारणा को जानने के लिए कोई स्थान नहीं होता, तो इसमें आपको बताना है ये आपका निष्क्रिय अधिगम है या आपका सक्रिय अधिगम है, तो ये आपका निष्क्रिय अधिगम के अंतर्गत आता है। ऐसा करते करते उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो इस तरह से हमने टोटल क्वेश्चन 16 किए और क्वेश्चन आंसर्ड भी हमने 16 किए। क्वेश्चन स्किप्ड हमारे जीरो हो गए, उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका स्कोर 16 आउट ऑफ 16 हो जाएगा। तो साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, तो इसलिए इसे ध्यान से देख लीजिए। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।